समाधान दिवस पर कपसेठी थाना परिषद में थाना क्षेत्र से आए लोगों की सुनी फरियाद, पड़े 15 शिकायती पत्र, धोखा हुआ मौके पर निस्तारण। वाराणसी जिले में कपसेठी थाना परिषद में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस में कपसेठी थाना प्रभारी राजेश त्रिपाठी ने क्षेत्र से आए हुए फरियादियों का शिकायत सुना। वहीं समाधान दिवस के दौरान कुल 15 शिकायती पत्र पड़े, जिसमें से सिर्फ 2 का शिकायती पत्रों का निस्तारण हुआ, जहां 13 शिकायती पत्र राजस्व विभाग के बताए गए हैं, 2 शिकायती पत्र पुलिस विभाग के हैं। वहीं समाधान दिवस के दौरान राजस्व निरीक्षण सहित कई गांवों के लेखपाल मौके पर नहीं मिले, जिससे क्षेत्र से आए दर्जनों फरियादियों में आक्रोश देखा गया। वहीं फरियादी अशोक सिंह निवासी रघुनाथपुर ने बताया कि कई बार समाधान दिवस पर आए, लेकिन संबंधित गांव के लेखपाल और राजस्व निरीक्षण नहीं मिले। वहीं समाधान दिवस के दौरान क्षेत्र के कई फरियादी डटे रहे। क्या मामला, बड़े आक्रोशित है आप लोग, क्या मामला? आक्रोशित ये हैं भैया कि हमारा नाम अशोक सिंह है, हम रघुनाथपुर के एक किसान हैं। विगत 4-5 बार से संबंधित लेखपाल के यहाँ आ रहे हैं, कानून गो के यहाँ आ रहे हैं, यहाँ सब अनुपस्थित हैं, जबकि सरकार की मंशा है कि समाधान दिवस पर जितने भी किसान आएंगे संबंधित लेखपाल उपस्थित रहेंगे, लेकिन विगत 4-5 बार से एक भी न किसान का समस्या हल हो पा रहा है। कारण लेखपाल की अनुपस्थिति, कानून गो की अनुपस्थिति, और इसलिए हम लोग आक्रोशित हैं। लेखपाल कोई नहीं, जब सुनिए तब ये होता है कि नहीं, ये नहीं आए हैं, नहीं आए हैं। एक सिंगल लेखपाल आज के दिनांक में समाधान दिवस पर नहीं आया है। किसी अधिकारी वहाँ पे, कोई अधिकारी भी आया था? कोई अधिकारी भी नहीं आया था, और हम लोग आए अपना काम धंधा छोड़ करके, और इसके बाद कोई समाधान नाम की चीज़ नहीं।